हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पावर पॉइंट की एक नए वीडियो में। आज है 27 जुलाई 2020 और आज ही के न्यूज़पेपर में एक नई खबर आई है। आपको पता ही होगा कि अगर कॉलेज में 75% से 80% तक अटेंडेंस नहीं है तो आपको छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। इसके लिए अपडेट है, आज की इस वीडियो में पूरा अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। आप जाके आज के पेपर में देख सकते हैं, अमर उजाला के पेपर में। और मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्त, ताकि सबको पता चल पाए। तो देखो क्या कहा जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई को हाजिरी मानेगी सरकार, मतलब अटेंडेंस माना जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि अभी छात्रवृत्ति, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि अभी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है, जो कि आपको पता ही है कि अगर 75 से 80% नहीं रहेगा तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी, उसमें दिक्कत हो जाती है। ऐसे में ही खबर निकल कर आ रही, तो इसमें अभी तो देखो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, तो उसके लिए क्या सरकार ने निकाला है खबर, ये देखो अमर उजाला की तरह है और लखनऊ से आ रही है न्यूज़। तो कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार ऑनलाइन पढ़ाई को कक्षा में हाजिरी के तहत ही मानेगी। कोरोना संकट के इस काल में नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है, अभी तैयार कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए यह अनिवार्य है कि विद्यार्थी की उपस्थिति न्यूनतम यानी मिनिमम 75% हो रही हो या होनी ही चाहिए। परीक्षा देने के लिए भी इतनी उपस्थिति अनिवार्य है। अगर आप पॉलिटेक्निक वगैरह कर रहे हैं, 75% अटेंडेंस नहीं है तो दिक्कत हो जाती है, 70 से 75% रहनी ही चाहिए। आगे देख सकते हैं, कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, इसलिए समाज कल्याण विभाग ने ऑनलाइन क्लासेस में उपस्थिति को कक्षा में व्यक्तिगत हाजिरी के समान ही स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इसके बारे में प्रस्ताव तैयार करने के लिए इसी हफ्ते शासन ने सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन बैठक की कार्य योजना बनाई है। इस पर अभी विचार चल रहा है, ध्यान दीजिए, अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। इस बैठक में समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल होंगे। समाज कल्याण विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई में उपस्थिति लेने के नियम कायदे तय किए जाएंगे। अभी इस पर नियम वियम तो नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नियम आगे बना दिए जाएंगे जैसे बैठक हो पाती है। उसके बाद इसे कक्षा में व्यक्तिगत मानते के समान ही मानते हुए शासनादेश जारी किया जाएगा, ताकि विद्यार्थी छात्रवृत्ति एवं शुल्क पूर्ति योजना का लाभ ले सके। यहाँ बता दें आपको, कोरोना संक्रमण के कारण शिक्षण संस्थान मार्च से ही बंद चल रहे हैं, आपको पता ही होगा, क्योंकि लॉकडाउन मार्च से लास्ट में ऑलमोस्ट 20 के बाद से या 15 के ऑलमोस्ट लॉकडाउन लगे हैं, तब से ही आपका कॉलेज बंद हो रहा है। तो इस पे सरकार पहल कर रही है, अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए ऑनलाइन क्लास मतलब अगर हो रही है, आप क्लास अटेंड वगैरह करते हैं, इसके लिए बनाएंगे कैसे, अगर अटेंड करते हो तो कैसे अटेंडेंस लग पाएगी, अब नियम आएगा भाई इस पर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, स्कॉलरशिप बहुत जरूरी यार, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखे भाई, इस मंथ मतलब इस ईयर किसी तरीके से इधर उधर से करके पैसा दे देते हैं भाई, अगले मंथ अगर स्कॉलरशिप नहीं आ पाती है वो नेक्स्ट ईयर में नहीं पढ़ पाएंगे भाई। मैंने देखो काफ़ी लोग मेरे से मिले हैं ऐसे, तो आप बताइए कि आप भी ऐसे तरीके से हैं, मतलब जिसे होता है भाई, हम लोग नॉर्मल फैमिली से मिडिल क्लास फैमिली तो जानती हुई कैसे होती हैं। तो अगर आप भी वैसे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये पसंद आई होगी न्यूज़, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर तो बहुत ज़रूरी है ताकि सबको पता चल पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आती तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।